स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए पवन कुमार चामली, बी हेमंत सोरेन, सी बायचुंग भूटिया, डी प्रेम सिंह तमांग। आंसर डी प्रेम सिंह तमांग। एक्सप्लेनेशन। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला प्रश्न। कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF की शुरुआती फिल्म होगी? ए बिली एंड मॉली, ए क्वार्टर लव स्टोरी, बी अतीत की गूंज, सी दिल की कहानियां, डी जीवन भर की यात्रा। आंसर ए बिली एंड मॉली, ए क्वार्टर लव स्टोरी। एक्सप्लेनेशन। 18वें MIFF की शुरुआती फिल्म बिली एंड मॉली एन ओटल लव स्टोरी होगी, जो 15 जून 2024 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्क्रीनिंग के साथ महोत्सव की शुरुआत करेगी। महोत्सव की समापन फिल्म वह फिल्म है जो गोल्डन कोंच जीतती है और 21 जून 2024 को प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी जर्मनी, डी USA। आंसर बी पोलैंड। एक्सप्लेनेशन। इगा स्विटेक ने जैस्मिन पावलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता। पोलैंड की 23 वर्षीय 2005 से 2007 तक जस्टिन हिनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफियां जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है। अगला प्रश्न। कौन होगा नए सेना अध्यक्ष? ए मनोज पांडे, बी अजीत डोभाल, सी उपेंद्र द्विवेदी, डी आर हरिकुमार। आंसर सी उपेंद्र द्विवेदी। एक्सप्लेनेशन। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वह मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को रिटायर होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में ज्वाइन किया था। जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। अगला प्रश्न। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ए मोहन चरण मांझी, बी प्रभाती परिदा, सी संबित पात्रा, डी कनक वर्धन सिंह देव। आंसर ए मोहन चरण मांझी। एक्सप्लेनेशन। ओडिशा को 24 साल बाद नया CM मिला है। मोहन चरण मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगे। BJP विधायक दल की बैठक में CM के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। 12 जून को शपथ ग्रहण है, जिसमें PM मोदी भी शामिल होंगे।